हाय एवरीवन, मैं साहिरा आज फिर से आपके लिए फेस्टिव डेकोर आइडियाज लेकर के आ चुकी हूँ। आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही यूनिक एंड खूबसूरत ट्री लाइट होल्डर्स बनाएंगे, वो भी वेस्ट मटेरियल का रीयूज करके। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर द फर्स्ट DIY आई एम यूजिंग ओल्ड CDs। तो सबसे पहले CD पे जैसो अप्लाई करेंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसो ड्राई हो जाने के बाद कुछ पेटल शेप्स ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहो तो अपने मन पसंद डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्ले वर्क करेंगे। मैं यहाँ पे मोल्डिट यूज कर रही हूँ। तो क्ले और रेजिन को इक्वली लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन कुछ पतले पतले स्ट्रिप्स बना लीजिए और डिजाइन के अकॉर्डिंग स्ट्रिप्स को ग्लू से स्टिक कर दीजिए। फिर हाथ से सरफेस को थोड़ा स्मूथ कर दीजिए और प्लस शेप्ड स्क्रू ड्राइवर लेकर के क्ले के ऊपर कुछ डिजाइन बना लीजिए। फिर कुछ और स्ट्रिप्स बना लीजिए और डिजाइन के अकॉर्डिंग उसे भी ग्लू से स्टिक कर दीजिए। इस बार हॉबी नाइफ के हेल्प से क्ले के ऊपर डिजाइन बना लीजिए। सेम प्रोसेस पे कुछ और थिक स्ट्रिप्स बना लीजिए और उसे भी पेस्ट कर दीजिए। देन रिफिल से डिजाइन बना लीजिए। एक्स्ट्रा क्ले को आप कभी भी वेस्ट मत कीजिएगा। उसे ड्राई होने से पहले ऐसे ही बीड्स या फिर कुछ और शेप्स बना लीजिए ताकि बाद में उसे भी आप क्राफ्ट में यूज कर सको। फिर इसे पेंट करना है। उसके लिए अल्ट्रामरीन ब्लू, ऑरेंज, पिंक और टियल ब्लू कलर यूज करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हो। तो सबसे पहले सेंटर को अल्ट्रामरीन ब्लू कलर से पेंट करेंगे, फिर ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे। बहुत अच्छे से इसको पेंट कर लीजिए और पेटल्स को पिंक एंड ऑरेंज कलर मिक्स्ड करके पेंट करेंगे। आप इसके जगह क्रिम्सन रेड भी यूज कर सकते हो। और लास्ट मेरे फेवरेट टियल ब्लू कलर से पेंट कर लेंगे। देन सारे कलर ड्राई हो जाने के बाद ब्लैक कलर से क्ले वर्क को पेंट कर लीजिए और साइड से भी अच्छे से पेंट कर लीजिएगा। देन कुछ मिरर्स ले लीजिए, जैसे कि मैं ड्रॉप शेप एंड स्मॉल राउंड शेप्ड मिरर्स ले रही हूँ। फैब्रिक ग्लू से मिरर्स को स्टिक कर देंगे। फिर कुछ बर्फी शेप्ड मिरर्स भी ऐड कर देंगे और लास्ट में मेटेलिक गोल्ड कलर से हाईलाइट कर देंगे। और हमारा टी लाइट होल्डर रेडी हो गया है। नेक्स्ट दिया स्टैंड बनाने के लिए निविया का एम्प्टी बॉडी लोशन बॉटल यूज करेंगे। एक पेपर को फोल्ड करके लीफ शेप ड्रॉ कर लीजिए और उसे कट कर लीजिए। देन पेपर को बॉटल के ऊपर मास्किंग टेप के हेल्प से स्टिक कर दीजिए और मार्कर से आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन हॉबी नाइफ के हेल्प से इसे कट कर लीजिए। कट करने के टाइम ध्यान से और धीरे धीरे इसे कट करना। कट करने के बाद स्टिकर को भी रिमूव कर देंगे। देन मार्कर पेन से बीच से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसमें हम छोटे छोटे होल्स बनाएंगे। मैं अपनी सुविधा के लिए कुछ डॉट्स बना ले रही हूँ। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। देन नीडल ले लीजिए और उसे गर्म करके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होल कर सकते हो या फिर रेंडमली होल कर सकते हो। अगर होल करने के बाद ऐसे ही ऊपर एक्स्ट्रा प्लास्टिक रह जाता है तो उसे हॉबी नाइफ के हेल्प से रिमूव कर दीजिए।
देन मेटालिक गोल्ड कलर से इसे पेंट कर लेंगे। मैं रिकमेंड करूंगी आप इसे स्प्रे पेंट कीजिए, इससे आपको स्मूथ फिनिशिंग मिलेगी। तो इसे अच्छे से चारों तरफ से पेंट कर लीजिए और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। देन स्टैंड बनाने के लिए न्यूज़पेपर और एम्प्टी रिफिल लेंगे। पेपर को थोड़ा रोल करने के बाद रिफिल को रिमूव कर दीजिए और फिर पेपर को पूरा रोल कर लीजिए। लास्ट में ग्लू से स्टिक कर दीजिएगा और ऐसे ही 9 pieces of 12 inch एंड 4 pieces of 8 inch स्टिक्स बना लीजिएगा। फिर 2 बड़े स्टिक्स लीजिए और उसे रोल कर लीजिए और ग्लू से चिपका दीजिए, तो कुछ राउंड शेप्ड बेस मिल जाएगा। और फिर 4 छोटे स्टिक्स को बेस के अंदर इंसर्ट करके बेस के नीचे ग्लू से चिपका दीजिए और ग्लू से स्टिक्स को भी एक दूसरे के साथ चिपका दीजिए और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। देन बेस के साथ 2 और बड़ी स्टिक्स रोल कर लीजिए और चिपका दीजिए, तो टोटल हो गया 4। देन बेस के ऊपर सेम प्रोसेस पे और एक स्टिक रोल कर लीजिए। स्टैंड के हाइट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिए। देन ऊपर थोड़ा फोल्ड कर लीजिए और उसके नीचे और एक स्टिक रोल कर लीजिए और उसे चिपका दीजिए। फोल्डेड पार्ट को भी ग्लू से चिपका दीजिए। और स्टिक्स को चिपका के हमने रोल बना लिया है, इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे और स्टैंड को चिपका देंगे। तो स्टैंड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बीच से और एक स्टिक रोल कर देंगे। देन ब्लैक कलर से अच्छे से इसको पेंट कर लीजिएगा और ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद मेटालिक गोल्ड कलर से थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। लास्ट में हॉट ग्लू या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू से दोनों को स्टिक कर दीजिए और कुछ देर ऐसे ही होल्ड कीजिए ताकि दोनों अच्छे तो से चिपक जाए। हमारे दिया स्टैंड भी रेडी हो गया है, चलिए इसका आउटकम देख लेते हैं। बेसिकली ये प्लास्टिक का है तो आप इसमें कैंडल्स वगैरह यूज मत कीजिए, अदरवाइज आप LED लाइट्स और LED दिया वगैरह रख सकते हो। कार्ड टी लाइट होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के ऊपर CD रख के उसका आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन टी लाइट का भी आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन सेंटर पार्ट को छोड़कर बाहर के तरफ कुछ पेटल शेप्ड ड्रॉ कर लीजिए, उसको हॉबी नाइफ के हेल्प से कट कर लीजिए। राउंड शेप को भी कट कर लीजिए और उसे रिमूव कर दीजिए। ऐसे ही डिफरेंट साइज में 2 पीसेस और कट कर लीजिए। देन मास्किंग टेप से एजेस को कवर कर दीजिए। फिर ग्लू और पानी का मिक्सचर बना के टिश्यू पेपर से पूरा कवर कर दीजिए और इसे छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। ड्राई हो जाने के बाद ग्लू से तीनों को एक साथ चिपका दीजिए। तो उसके लिए सबसे नीचे बड़ा वाला पीस रखिए, उसके बाद छोटा वाला और ऊपर सबसे छोटा वाला पीस रखिए। फिर व्हाइट कलर से इसे अच्छे से पेंट कर लेंगे। आप इसके जगह जेसो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन पिंक और व्हाइट कलर मिक्स्ड करके बेस कोट अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा बेस कोट सबसे लाइट रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पिंक कलर के सबसे लाइट शेड यूज किया हूँ। देन सेकेंड लेयर को थोड़ा डार्क कलर से पेंट कर लीजिए और थर्ड लेयर को रॉ पिंक कलर से पेंट कर लीजिए। अब डिटेलिंग के लिए जो कलर यूज किया है उसी का डार्क शेड यूज कीजिए, जैसे कि मैं सेकेंड लेयर में जो कलर यूज किया था उसी को फर्स्ट लेयर में और थर्ड लेयर का कलर सेकेंड लेयर में यूज कर रही हूँ। और थर्ड लेयर के लिए ब्राउन कलर यूज करेंगे। तो हमारे लोटस रेडी हो गया है, अब हम इसका लीफ बना लेंगे। तो उसके लिए ओल्ड CD यूज करेंगे। तो बीच में होल बंद करने के लिए एक साइड मास्किंग टेप लगा देंगे और दूसरे साइड ग्लू से क्ले चिपका देंगे। देन जैसे अप्लाई करेंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देन हम इसे पेंट करेंगे। तो सबसे पहले लेमन येलो कलर से बेस को पेंट कर लेंगे, फिर लाइट ग्रीन कलर से बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक्स बनाते हुए इसे पेंट कर लीजिए। उसके बाद सेम प्रोसेस पे सैप ग्रीन कलर से पेंट कर लीजिए। और कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइंस भी बना लीजिए।
उसके बाद डार्क ग्रीन और अल्ट्रामरीन ब्लू कलर मिक्स्ड करके लाइंस को दोबारा ड्रॉ कर लीजिए और पानी से कलर को थोड़ा मिक्स्ड कर लीजिए। देन सेम कलर से दोबारा लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और कुछ छोटे छोटे डिटेलिंग ऐड कर दीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे डिटेलिंग के लिए आप 0 या फिर 000 ब्रश का यूज कर सकते हो। और हमारे थर्ड डिलाइट होल्डर भी रेडी हो गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन तीनों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही नए नए आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे मैं जो भी वीडियोस लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।